हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पराठा। सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे किन्हें नहीं पसंद है, तो चलिए आज हम आलू पराठा बनाते हैं। उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिन्हें मैश कर लिया है। ये हमारा 200 ग्राम आटा है। ये हमारी छोटी सी टुकड़ा अदरक का था जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। ये 5-6 कलियाँ है लहसुन की है जिन्हें मैंने काट लिया है। ये 5 हरी मिर्च है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को लगा लेते हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालते हैं, आधा चम्मच अजवाइन डालते हैं और आटा को सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। इसे पहले हाथों से मिला लें और हल्के हल्के पानी डालें ताकि हमारा आटा बिल्कुल गीला ना हो जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। आटा मैंने लगा लिया है, ये न ज़्यादा हार्ड है और न ज़्यादा गीला है। हाथों में हल्के से तेल लगा के इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने दें। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा हमारी चटक चुकी है। अब इसमें हम अपनी प्याज डाल लेते हैं और 5 मिनट तक भून लेते हैं। गैस की आंच मीडियम ही रखें। प्याज को भूनते भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम अपनी अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे भी 5 मिनट तक भून लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, 1 चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमारा गरम मसाला। सभी को मसालों को भूनते रहें 2 मिनट तक। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम अपनी आलू डाल लेते हैं और इसे भी 5 मिनट तक भूनते रहें। आलू को भूनते भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे भी 2 मिनट तक भून लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए गैस बंद करके छोड़ देते हैं। आलू की स्टफिंग को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। हमारी आलू है जो ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अपने पराठे बेल लेते हैं। इतना छोटी लोई ले लें और इसे गोल गोल घुमाएं और इसे बीच में होल जैसा बना के ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे बनाएं। इसमें 2 चम्मच हम अपनी स्टफिंग डाल लेते हैं और इसे हल्का सा प्रेस कर दें और ऐसे बंद कर लें इसे। देखिए ये आराम से हो जाता है। और फिर इसे ऐसे करके इसे दबा दें। अब थोड़ा सा चकले पे अपने आटा लगा के हम अपने पराठे को बेल लेते हैं। मैंने पराठे को बेल लिया है। देखिए कहीं से भी हमारे आलू की स्टफिंग नहीं निकली है। मैंने गैस पे एक तवा चढ़ा लिया है और अपने पराठे को हम सेक लेते हैं। गैस की आंच मीडियम ही रखें। इसे दोनों साइड से अच्छे से सेकें। अब हम इसे पलट लेते हैं और इसे इस साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच घी या रिफाइंड डाल के जो आप पसंद करते हैं अपने पराठे को सेक लें। पराठे को पलट लें। पराठे हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम अपने दूसरे पराठे को भी वैसे ही बेल लेंगे। इसे भी वैसे ही दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। ये पराठे भी हमारे दोनों ओर से अच्छे से सिक चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
मैंने अपने पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।